सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू मनी मंडी। यार पिछले कई दिनों से एक चीज़ की चर्चा होती है, ट्रेडिंग आवर्स की बढ़ाने की। तो आज इस पर थोड़ा सा ना फुर्सत से बात करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आप ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप किस लिए बढ़ा रहे हो? ये सट्टा, मतलब एक तरह से सट्टेबाजी को वो बढ़ावा मिल रहा है। आप डेरिवेटिव्स में मतलब ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा रहे हो, और अभी आप फिर कुछ दिनों बाद स्टॉक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होने लगेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मार्केट जितनी देर खुलेगा उतनी टाइम आपके सर पे बोझ भी बना रहेगा, एक चीज़ याद रख लेना। अगर आपको मान लो, अगर सुबह 9 बजे मार्केट खुला, 11 बजे अगर आपका लॉस हुआ ना, तो आप फिर सोचोगे चलो 4 बजे कुछ बनता है पैटर्न तब कर लेंगे, 5 बजे बनता है कुछ कर लेंगे, या फिर रात के 11 बजे तक आप लोग यही चलता रहेगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये एक तरह से जुए को ही मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके चक्कर में मत फंसना। अब ये देख लो, कुछ ये से लिखा है NSE एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स फॉर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अब कुछ लोग जो मतलब नए नए आएंगे ना, जो एक्साइटेड होंगे, वो अब इंटरेस्ट रेट की भी डेरिवेटिव्स में जाएंगे, और वो देखेंगे कहाँ मतलब इसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब स्टॉक तो सीखा ही नहीं पर इंटरेस्ट रेट में भी घुस के। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना, ये सब बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ मार्केट कभी भी खुले, अपना बस प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना, और जब ये अगर इस तरह से अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाए तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट को लगभग 15-20 दिन ना ही ट्रेड करना तो ही बढ़िया है, और अवॉइड करना, बस देखना कि क्योंकि क्या है, वॉलीटिलिटी तो बढ़ेगी जब ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएंगे, तो वॉलीटिलिटी तो बढ़ेगी ना। अब उस टाइम क्या होगा, अगर आपने मान लो अगर कि उसमें ट्रेड ले लिया फ्यूचर्स में, निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड ले लिया, ऑप्शन में ट्रेड ले लिया, वो कितना ज़्यादा डीके होगा वो आप ही लोगों को पता है। अगर आपको कुछ टाइम भी अगर आपने मार्केट को दिया होगा ना, बहुत ज़्यादा डीके होगा उसमें। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ना, जो चीज़ करते आ रहे हो ना वही करना, 9 से 3 सबसे बढ़िया है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में और भी बहुत काम है, उन पर भी ध्यान देने ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास इतना यही सवाल था, मैं मतलब काफ़ी बेकार लगा ये मार्केट का इतनी देर खुलना, या फ्यूचर्स में ट्रेड करना, फ्यूचर्स में तो मतलब 1-1.5 लाख लगता है, ठीक है, और अगर वही अगर पार सा उल्टा पड़ गया तो वो साफ़ है, अकाउंट आपका साफ़ है एक ही मिनट में, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं लोग वाग इस तरह के भी लोग होंगे जो हाँ इसका जुगाड़ करेंगे, यार कहीं ना कहीं सब फ्यूचर के लिए पैसे रखने पड़ेंगे, फ्यूचर का कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे। वैसे भी अगर आप देखते होंगे, वैसे सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी अगर आप यूट्यूब पे लाइव CNBC आवाज़ ही बिजनेस चलाओगे, तो आपको एक बार वो ऐड जरूर आएंगे जो लोन पे पैसे देते हैं, ठीक है। तो उन सब चक्कर में मत पड़ना, जो करते आ रहे हो वही कर लेना, सबसे बढ़िया है, ज़्यादा लालच डुबा देगा ये। मैं तो इतना मानता हूँ कि अभी जैसे कह रहे हैं ना, 90% 80% लोगों ने पैसा खोया, ये भी जो रिपोर्ट आई है SEB की, तो मैं तो कह रहा हूँ लोग जो एक एक महीने में खाली होंगे ना, वो एक दिन में अब हो जाएंगे खाली। सो केयरफुल रहना, ये बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत ख़तरनाक चीज़ होने वाली है रिटेलर्स के लिए, ठीक है। अपना इक्विटी में ही ट्रेड करना, अगर आपको इक्विटी अच्छी लगे, फ्यूचर्स में मत जाना, भूल के भी मत जाना, तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और यार एक काम किया करो मेरा, कम से कम हो जितने ज़्यादा हो सके यार मेरे चैनल को ना फैलाओ, बहुत ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि अब क्या है कि ग्रोथ रुक सी रही है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ना देखो क्या ना, मोनेटाइज होने पे 1000 व्यूअर्स चाहिए, 1000 व्यूअर्स जिस दिन होने लगेंगे ना, उस दिन से मैं लाइव इंट्राडे ट्रेड चार्ट्स खोल के बैठेंगे, यूट्यूब पे लाइव होंगे, और आराम से अच्छे अच्छे प्राइस पैटर्न जो भी मिलेंगे जहाँ कहीं मिलेंगे, 9 से 3 डेली बैठेंगे, जो भी कहीं स्टॉक्स फ्यूचर वगैरह जैसे भी होगा वैसे हम ट्रेड किया करेंगे, ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच एंड बी केयरफुल, ठीक है? सो बाय।